और अब अगली खबर जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा, जहां पर एक गुरेज इलाका है और अचानक से वहां पर भीषण आग लग गई, अफरा तफरी मच गई, कई दुकानें जलकर खाक हो गई। वहां जो आसपास के लोग थे अपने घरों को अपनी दुकानों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब इस रिपोर्ट को देखकर समझिए, देखिए किस तरीके के हालात उस वक्त बने गुरेज इलाके में जब अचानक से भीषण आग लग गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज इलाके में देर रात हड़कंप मच गया, जहां के तुलाल मार्केट में अचानक आग लगने की घटना सामने आई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग अपने दुकानों और घरों को बचाने के प्रयास में जुट गए। स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की। कई दुकानदार अपने दुकानों से सामान निकालने के लिए आगे आए, लेकिन आग की तीव्रता के कारण वो इसमें सफल नहीं हो पाए। तुतैल मार्केट गुरेज का एक प्रमुख व्यवसायिक केंद्र है, जहां कई दुकानें हैं। आग के कारण व्यापारियों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस इलाके में अधिकांश दुकानें लकड़ी की बनी हुई है, जो आग लगने से राख हो गई। आग कैसे लगी, इसका क्या कारण था, ये पता लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर अंतरिक्ष की दुनिया में स्पेसएक्स ने इतिहास रच दिया है। सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का पांचवा टेस्ट सफल हो गया है। पूरी खबर एक मिनट की रिपोर्ट में आप सबको बताते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का पांचवा टेस्ट कामयाब रहा। इस टेस्ट में पृथ्वी से 96 किलोमीटर ऊपर भेजे गए सुपर हैवी बूस्टर को लॉन्च पैड पर वापस लाया गया, जिसे मैकेजिला ने पकड़ा। मैकेजिला दो मेटल आर्म है जो चॉपस्टिक की तरह दिखाई देती है। वही स्टारशिप की पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री करवाकर हिंद महासागर में कंट्रोल्ड लैंडिंग करवाई गई। स्टारशिप ने जब पृथ्वी के वातावरण में एंट्री की, तब उसकी रफ्तार 26,000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और तापमान 1,430 सेल्सियस तक पहुंच गया था। स्टारशिप को आज शाम 5:55 पर टेक्सास के बोका चीका से लॉन्च किया गया। स्टारशिप में 6 रैप्टर इंजन लगे हैं, जबकि सुपर हैवी में 33 रैप्टर इंजन है। टेस्ट का मेन गोल ये देखना था कि स्टारशिप पृथ्वी के वातावरण में एंट्री के दौरान सरवाइव कर पाता है या नहीं। कांग्रेस पार्टी बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने में लगी रहती है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गर्मा गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसी टिप्पणी की जिस पर बवाल होना तय था, हुआ भी ऐसा। खड़गे के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट से बताते हैं। वहां पर सरकार के ऊपर अत्याचार होता है, खासकर ट्राइबल पर अत्याचार होता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये वो बयान है जिस पर अब संग्राम छिड़ गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर बोलते बोलते खड़गे इतना बहक गए कि उन्हें ना तो भाषा की मर्यादा का ख्याल रहा और न ही प्रधानमंत्री पद की गरिमा का। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते साधते कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी को टेररिस्ट पार्टी तक करार दे दिया, और तो और पीएम मोदी के लिए भी अपशब्द कहे। अर्बन नक्सल, तो जो बुद्धिवादी है प्रोग्रेसिव उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, सरकाश के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं, तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है। लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खड़गे के हर बयान पर पलटवार किया है। खड़गे जी, अपनी हार के कारणों का विश्लेषण करने के बजाय कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी जो की जो डिक्शनरी है, जिसमें गुमराह, वोट बैंक पॉलिटिक्स, तुष्टिकरण, देश को बदनाम करने की साजिश, पॉलिटिक्स ऑफ कास्टिज्म, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन, स्कैम, झूठ की राजनीति, शब्दों का ही विशेष स्थान देने की आदत और परंपरा बना ली है। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस को अर्बन नक्सल कहे जाने वाले बयान के जवाब में आया,
लेकिन जैसे ही खड़गे का ये बयान सामने आया, बीजेपी ने उन्हें चौतरफा घेर लिया। जम्मू से बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने तो मल्लिकार्जुन खड़गे को मूर्ख भी बता दिया। तो मैं ये कहूंगा, विनाश काल विपरीत बुद्धि, मंद बुद्धि का मालिक तो कांग्रेस का राहुल गांधी है और विनाशी बुद्धि का मालिक जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे है। देश और दुनिया का इकलौती राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म अलग है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ भी टिप्पणी करने से पहले हर व्यक्ति को, वो किसी भी जात समुदाय का हो, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करके देख लेना चाहिए कि वो खुद कितने पानी में है। तो भाई, अब जेपी नड्डा ने भी खड़गे के हर बयान का माकूल जवाब दिया है। दरअसल बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे पर इसलिए भी भड़की हुई है क्योंकि खड़गे की तरफ से कई बार पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की जा चुकी। 27 अप्रैल 2023 ये वो दिन है जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कुलबर्गी में रैली करते हुए पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से कर दी थी और कहा था कि मोदी जहरीले सांप की तरह है और इनका जहर इतना विषैला है कि अगर आप इसे चाटते हैं तो आप चाटते ही मर जाएंगे। 29 नवंबर 2022 गुजरात चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। 27 नवंबर 2022 गुजरात चुनाव प्रचार के